以说这个狼牙棒打一个木头，它是铁，它是用一个铁条，等于说是我的这个铁条上面在看这个。那直接来说，中国是摆出外交的这个战狼，那对这个也 video job CIA 的这个摩擦这个。और ये दुनिया की जो फ्रेंच देखेंगे जर्मन देखेंगे कहेंगे ये है पीएल आज तो वियतनाम में गुस्सा आ रहा है वियतनाम के तो हम ही देख लेंगे इनको फिलीपींस के ना ये पीएल हम ही देख लेंगे आज दोबारा अफगान फौजियों ने तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जिससे एक जो शहरी है वो हलाक हुआ और 26-27 किस्म जो लोग हैं वो जख्मी हुए खबरें ये बता रही हैं कि अफगान फोर्सेस की तरफ से गोलाबारी की गई है बड़ी तादाद में गोलाबारी की गई है वीडियो पुरानी हो या नहीं हो बात यह है कि जो एक खसलत होती है ना वो दिखी उस वीडियो में खसलत ये है कि जो चाइनीज जो सोल्जर थे वो कैसे डर डर के पीछे हटते हैं और वहां पर एक शहरी जा भाग हो चुका है एक पाकिस्तानी और तकरीबन 12 से 15 के बीच लोग जख्मी हो चुके हैं और आपको पता है ना कि पाकिस्तान दोस्तों जो था वो बड़ा बल्ले बल्ले अफगानियों के साथ हम खड़े हैं अमेरिका के अंदर दोस्तों वाशिंगटन में पाकिस्तान अपनी एम्बेसी बेच रहा है और चाइना में ना वो पैशन नहीं क्योंकि वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो डेमोक्रेसी नहीं है अफगानिस्तान और पाकिस्तान जिस किस्म के हालात से गुजर रहे हैं तो इनको अपनी तरक्की का सोचना चाहिए इनको अपनी इकोनॉमी का सोचना चाहिए लेकिन यहाँ पर हो क्या रहा है कि मजीद तबाही की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं अच्छा मतलब जो पैशन है ना जो जिगरा है वो एक इंडियन का जिगरा है चाइनीज नहीं कम्पीट कर सकता जिगरे में आप देखिए कि पाक अफगान बॉर्डर जो है ना इसकी सिचुएशन बिल्कुल इंडिया की तरह आज मैं पढ़ रहा था कि वो बात कर रहे थे जनाब इस वक्त की पोजीशन ये है कि जो पाकिस्तान के जो साइड के ऊपर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे इमरजेंसी लगी हुई है तो ये कि हमारे जो जवान घबरू जवान है वो कुछ नहीं सोचते थे सो पैशनेट अबाउट द कंट्री कि वो मतलब एक बंदा दस से लड़ दोस्तों आज फिर पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर चमन के मुकाम पे जो है वो दोबारा अफगान फौजियों ने तालिबान ने पाकिस्तान पे हमला किया और जिससे एक जो शहरी है वो हलाक हुआ और 26-27 जो लोग हैं वो जख्मी हुए अब बाजारी बात है ISPR का एक ही गांव में प्रेस रिलीज जारी कर दी और बस ये कर दिया और तो वो कुछ कर नहीं सकते हम ना तो वहां पे जो है वो अफगानियों को मार सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान पिछले 50 साल से अफगानिस्तान में इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर चुका है अफगान अवाम पहले पाकिस्तान के बड़ी खिलाफ है प्रॉब्लम किधर है प्रॉब्लम सिर्फ एक है दोस्तों और उस प्रॉब्लम को हम हल नहीं करना चाहते प्रॉब्लम ये है कि अगर पाकिस्तान की लीडरशिप चाहती है हमारे अफगानिस्तान ये अपनी माँ की इकलौती औलाद है ये इनको बहुत टेंशन हो